सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपेरे जिला रायपुर मध्य अहम पदस्थोस्मि अद्य वयम् पठामः दशम्याम कक्षायां पाठः परिवारः लघु एव वरम् प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं संस्कृत साहित्य विपुल साहित्य से भरा हुआ है संस्कृत साहित्य में काव्य भी हैं कथा साहित्य भी हैं और नाट्य साहित्य भी हैं आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह पाठ नाट्यांश है अर्थात नाटक का अंश है इसमें एक नाट्यांश के माध्यम से समाज में जो जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न समस्याएं आ रही हैं उनकी ओर संकेत किया गया है जनसंख्या वृद्धि के कारण एक परिवार को किस किस तरह से विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसका चित्रण इस पाठ में विभिन्न पात्रों के संवादों के माध्यम से व्यक्त किया गया है तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं आज तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है प्यारे बच्चों इस पाठ में हम देखेंगे किस तरह से एक परिवार जो बड़ा परिवार है उस परिवार में पति पत्नी हैं और साथ ही उनके एक से अधिक बच्चे हैं बच्चों की अधिकता होने के कारण से उस परिवार को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर इस पाठ में एक दूसरा परिवार भी है जिसमें बच्चों की संख्या कम है बच्चों की संख्या कम होने के कारण वे बच्चों की शिक्षा दीक्षा उचित ढंग से कर पाते हैं उनका लालन पालन ठीक ढंग से कर पाते हैं बड़े परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण उनका लालन पालन ठीक से नहीं हो पाता है स्वयं की अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है घर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है ऐसे में उन बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कहाँ से और कैसे संभव हो सकता है जब परिवार में विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं का सम्मान नहीं होता है उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब निश्चित रूप से उस परिवार के सभी सदस्य न केवल मुखिया अपितु सभी सदस्य उस परिवार से चिंतित रहते हैं समस्या ग्रस्त रहते हैं हमारा यह जो नाट्यांश है आइए हम प्रारंभ करते हैं नाट्यांश की एक विशेषता होती है कि इनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्दे पर दिखाई जाती हैं जिनको व्यक्त नहीं किया जाता है बोला नहीं जाता है ऐसे अंशों को कोष्टक में लिखा जाता है ऐसे ही कहीं पर आत्मगतम प्रत्यक्षम जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है आत्मगतम का प्रयोग कब किया जाता है जब कोई पात्र कोई बात अपने मन में सोचता है वह कहता नहीं है लेकिन वह जो सोचता है इसको हमको पाठकों को या दर्शकों को बताने के लिए आत्मगतम शब्द का प्रयोग किया जाता है इसी तरह से प्रत्यक्षम इस शब्द का प्रयोग कोष्टक में नाट्यांश में किया जाता है और इसका तात्पर्य होता है अब यहाँ पर प्रत्यक्षम करके जो बातें लिखी गई हैं इन बातों को पात्र जो हैं वे मंच पर दर्शकों के सामने अभिव्यक्त करते हुए मिलते हैं ज्वरपीड़ितः मोहनः परयङ्के सयानोऽस्ति तस्मिने कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि ग्रिह संलग्ना अस्ति मोहनस्य अष्टकन्याः द्वौ पुत्रौ च सन्ति अद्य मां भृशं शिरोवेदना वाधते रात्रिं अपि न सुखेन सहैतोऽस्मि राधिके गृहकार्यं परित्यज्य इति एव आगच्छ त्वम वारम वारम माम आहवयसि किम् अहम् करोमि आसन्नं हि दीपमालिका पर्व गृहे दश रूप्यकाणि अपिनसंति किम् मम जीवनम यास्यति इति विचार्य विचार्य गहने तमसि নিমग्नम मे मनः पितृवर अहम् विद्यालयात आगतोस्मि स्व अहम विद्यालय न गमिष्या मम हस्ते साम पेटिका लेखन वर्तिका चापी नास्ती एक पुस्तक न वर्तते पठनाथ अभ्यास पुस्तिका नाम तो का, का मम कक्षा अध्यापिका मां विद्यालय शुल्क पुरते भर्त्स्यति सर्वा मम सहपाठीन्य मामेव लक्षीकृत हसंती सर्वाभि छात्राभि विद्यालय शुल्कम मा कक्षा पंजिकाया मम नाम कर्ष्य प्रतिदिन ध्यापिका प्रति में मह्यम कक्षाध्याशयाध्याद्यालय गणवेश धारय कथयती अहम तो एकम मलिनम वस्त्र पिधा विद्यालय यामी प्रतिदिनमेव में कक्षाया बहुत निष्कासन क्रीय प्रियते कक्षा अगवाक्षात् एव पाठ्यमानं विषयं अहम शिणोमि माता दशमी कक्षा तु मया उत्तीर्ण न प्रेशयसि माम विद्यालयम साम्रता यदि हमे उपविष्टा अहम किम करिष्यामि देहि मे 363 रूपे काणि अहम् सूची कर्मणा प्रशिक्षणं प्राप्तुं यास्यामि पिता देहि मे सत्य मम भगिनी विद्या मह्यम द्वे क्रीडन के क्रेत आपण पिता मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ती देहि मे पंच विंशति रूप्यकाणी अद्यव ताम कृत्वा अहम विषयाध्यापिकया दत्तम गृह कार्यम करिष्यामि स्वामिन इम मे पुत्री मनोरमा कियत कालात रुग्णा वर्तते किंचिदपि न खादति सयाना एव दिनम यापयति चिकित्साये आतुरलायम गंतुम धन व्यवस्था अपि नास्ति मम सख्यो रशीदायाः परिणयोत्सवः आसन्नो वर्तते मम अन्याः सख्यः तु सहस्राणां रूप्यकाणां अभिनवान उपहारान् दास्यन्ति दास्यामि किमहम तस्य द्विशतम रूप्यकानाम व्यवस्थाम विना को अपि उपहार आपनात न लप्स्यते मातः जीर्णानि मे सर्वाणि वस्त्राणि दीपमालिका पर्वणि तु नव वस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि पितः नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणः सुभागमने अग्नि क्रीडन का नाम पटापट पत शब्दम श्रुयते अस्माक गृह न शोधित न धवलीकृत मम सखी भी तो प्रभुतेन धन व्ययन कृता अग्नि क्रीडन का इदानम तो अहमी पंच शतूप्य अग्नि क्रीडन का क्रेत इच्छा न पश्यति मम अवस्था ज्वरेण व्यप्ते मे शरीर एकता रुगुणावस्था अपरत स्वार्थ प्रेरिता यूय सर्वे एव पश्य सत्यमेवोच्य छिद्रे स्वनर्थ बहुली मोहन मोहनस्य अभिन्न मित्र अनिल सह प्रवशति दिए कन्या महिमा गरिमा चा प्रवेश अभिवादन कनि मित्रवर नमस्ते शुभम ते दीपोत्सव नगरे सर्वत्र दीप महोत्सव चाकचक्य दृश्य से कथम ब्ला मुखाशासी अस्माक्रातृजाया कथम तूषणी उपष्टा अभी कुशलीन ब्राह्मणवर अश्मिन हर्षोलास समय कातर वचनानि ब्रुवाना ह अस्माकम भगीनि पुत्रान कन्या कह चकत्थम कन्या कह दुख सागरे निमज्जसि संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते आत्मबलम न त्याज्यम आपत स्वपि मित्र परिवार एव मम दुखस्य कारणम् मम ऐसा पुत्री स्यामा विवाह योग्य संजाता मित्रवर न ते वचो नन्दामि चिंता तु शिक्षा दीक्षा कृते च करणिया यदि अन्यथा न मन्यसे तर्हि विहत परिवार एव युस्मदीयम् दुख कारणम् वृत्यातु भवत सदृश मेव अर्थोपार्जन क्रियते मया भ्रातृवर मम तु कन्ये पुत्र समे एव एका तु चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनं करोति अपरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे पठति आवाम स्वस्थ प्रसन्नौ स्वद्वे कन्याके अपिच अस्माकं सदनम सानंदम भगिनी आवाभ्याम नियोजित परिवार विषये कदापि न चिंतितम अस्मिन् विषये पूर्वम आवाम न प्रेरितो गतस्य सोचनम न करणीयम लघु परिवार विषये अन्यान प्रेरण स्वपरिवारम अपि प्रकारांतरण प्रेरय मत सामर्थ्यानुसारेण अहम् सहयोग तो आए तत्पर इदानीम असमान गृह गमनाय आज्ञा पयतु गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय तो आइए यहां हम देखते हैं कोष्टक में लिखा हुआ शब्द है कोष्टक में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं वे वाक्य हैं ज्वर पीड़ित मोहन पर्यंके शयानोस्ति तस्मिन् नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि कर्मणि संलग्ना मोहन से अष्ट कन्या पुत्रौ ये अभी हम जिस परिवार की चर्चा करने जा रहे हैं उस परिवार की क्या स्थिति है उसके विषय में यहाँ बताया गया है मंच पर एक पलंग है एक सैया है जिस पर ज्वर से पीड़ित मोहन सोया हुआ है। तो ज्वर यह एक समासिक पद है समास अलग करें तो ज्वरेन पीड़िता ज्वर यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर्य होता है ज्वर से पीड़ित ज्वर कहते हैं बुखार को बुखार से पीड़ित बुखार होने के कारण मोहन का शरीर तप रहा है और ज्वर से पीड़ित मोहन पर यंके पलंग पर शयानोस्ति यह भी एक संधि युक्त पद है संधि अलग करें शयान धन अस्ति इति इतिशनोस्ति यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है शयान इसका तात्पर्य होता है सोया हुआ अस्ति का मतलब होता है, है। तो ज्वर पीड़िता मोहन के ज्वर से पीड़ित मोहन पलंग पर सोया हुआ है तस्मिन कक्षे तस्मिन धन एव इति तस्मिन नेव यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है उसी कक्षे कक्ष में उसी कक्ष में अर्थात उसी कमरे में जिस कमरे में ज्वर से पीड़ित मोहन पलंग पर सोया हुआ है उसी कमरे में गृहिणी अर्थात मोहन की पत्नी गृह कर्मणी घर के कार्यों में संलग्ना अस्ति संलग्न है तो जिस कमरे में ज्वर से पीड़ित मोहन पलंग पर सोया हुआ है उसी कमरे में उसकी पत्नी घर के कार्यों को संपादित कर रही है मोहनसन्या यहाँ यह बताया गया है कि मोहन मोहन के मोहन शब्द सी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर्य होता है मोहन का या मोहन के ष्ठ विभक्ति में का के के का प्रयोग होता है इसलिए तो मोहनस्य तो मोहन के अष्ट अष्ट मतलब होता है आठ और कन्या मतलब कन्याएं तो मोहन की आठ कन्याएं द्व पुत्रौ च और च का मतलब होता है और ध्यान दीजिएगा च यह एक संयोजक पद है और संस्कृत में इसका प्रयोग जिन पदों को संयोजित करने के लिए होता है उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है जैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ है अष्ट कन्या द्व पुत्र तो आठ कन्याएं और दो पुत्र इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके बीच में जो संयोजक पद है वह है च और हिंदी में इसका प्रयोग जैसे कि अर्थ हिंदी में इसका अर्थ होता है और तो हिंदी में जो संयोजक शब्द होते हैं इनका प्रयोग दो पदों के या दो शब्दों के मध्य किया जाता है किंतु संस्कृत में जिन पदों को संयोजन करना हो उसके पश्चात च का प्रयोग किया जाता है तो अष्ट द्वौ द्व पुत्रौ चो तो अष्ट एक विशेषता और दूसरी विशेषता द्वौ पुत्रौ तो इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त तो किया गया संयोजक पद है तो मोहन मोहन के आठ कन्याएं और दो पुत्र संति हैं तो इस तरह से यह एक दृश्य है जो दृश्य अब आपके सामने स्पष्ट हुआ दर्शकों के सामने स्पष्ट हुआ कि ज्वर से पीड़ित मोहन पलंग पर सोया हुआ है और उसी कमरे में उसकी पत्नी घर के कार्यों को संपादित कर रही है संपन्न कर रही है अर्थात घरेलू कार्यों में वह लगी हुई है अब मोहन के परिवार का परिचय दिया गया मोहन के परिवार में आठ कन्याएं और दो पुत्र हैं तो इस तरह से आठ और दो दस ये संतानें हैं मोहन और उसकी पत्नी के तो इस तरह से पति और पत्नी और आठ कन्या और दो पुत्र अर्थात दस तो दस और दो बारह लोगों का एक विशाल परिवार मोहन का है तो निश्चित रूप से इस तरह का जो विशाल परिवार होता है उस परिवार में तरह तरह की समस्याएं आती ही हैं। तो आइए हम इस पाठ में देखेंगे कि इस परिवार में जो मोहन का परिवार है वृहद परिवार है इस परिवार में किस किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है तो मोहन हा, मोहन का कथन है अद्य माम ब्रीषम शिरो वेदना बाधते अपि न सुखेन शयिस्मी राधिके गृह कार्य पर इत एव आगच्छ मोहन इस तरह से बात करता है क्या कहता है अद्य अद्य यह अव्यय वाचक पद है पद्य है अद्य यह अव्यय वाचक पद है और इसका तात्पर्य होता है आज समय बोधक अव्यय पद है माम मेरा भ्रिसम वेदना बाधते आज भ्रीसम का मतलब होता है बहुत अधिक सिरो वेदना मतलब सिर की पीड़ा सिर में पीड़ा बाधते बाधा दे रही है अर्थात आज मुझे माम का मतलब होता है यहां पर मुझे आ, अस्मत शब्द है अहम आवाम वयम माम मा आवाम नौ अस्मान न तो माम यहाँ पर अस्मत शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है तो अद्य आज मुझको भ्रीषम बहुत अधिक सिरो वेदना सिर की पीड़ा बाधती बाधा दे रही है अर्थात पीड़ा दे रही है अर्थात आज मेरा सिर बहुत पीड़ा दे रहा है या सिर बहुत दुख रहा है रात्रौ अपि न सुखेन संयिस्मी तो रात्रौ रात्रि मूल शब्द है भक्ति, एक वचन का रूप है यह और इसका तात्पर्य होता है रात्रि में अपि अपि यह अव्यय पद है और इसका तात्पर्य होता है भी न यह भी अव्यय पद है और इसका तात्पर्य होता है नहीं निषेधवाचक अव्यय सुखेन सुख से या सुख सुखपूर्वक संयिस्म्मी सोया हूं रात्रि में भी मैं सुखपूर्वक नहीं सोया हूं राधिके मोहन की पत्नी का नाम है राधिके उनकी पत्नी का नाम है राधिका और इसलिए उनको जब संबोधन संबोधन किया जाता है तो संबोधन का जो पद होता है स्त्रीलिंग में जो आकारांत स्त्रीलिंग वाचक जो शब्द होते हैं इनका संबोधन का जो रूप होता है एक वचन में उसमें जैसे लता से लते होता है सीता से सीते होता है उसी तरह से राधिका से राधिके का प्रयोग किया गया तो राधिके तो राधिका गृह कार्य घर के कार्यों को छोड़कर इत एव आगच्छ यहां आओ तो मोहन इस तरह से अपनी पत्नी राधिका को घर के समस्त कार्यों को छोड़कर अपने पास बुलाना चाहता है इसलिए वह कहता है राधिके गृह कार्य परि त्यज इत एव आगच्छ यहाँ आओ अब मोहन के कथन को सुनकर राधिका वह कहती है क्या कहती है तम वारम माम आहवयसी कि हम करोमि आसन्नम हे दीप मालिका पर्वम गृहे दस रुप्य का ना किम एव मम जीवन इति विचार्य विचार्य गहने तमसी निमग्न मे मन ऐसा ये राधिका कहती है किससे अपने पति मोहन से जब मोहन उन्हें अपने पास बुला घर के समस्त कार्यों को छोड़कर अपने पास बुलाता है तब राधिका कहती है तम तो का तात्पर्य होता है तुम ये मूल शब्द है प्रथम व्यक्ति एक वचन का यह रूप है तो तुम वारम बार बार माम मुझ को आहवयसी बुला रहे हो कि महम करोमी क्या मैं करूं कि किमहम किम धन अहम इति किम यहां व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है तो अब जब मोहन का सिर दुख रहा है वह अपनी पत्नी को बार बार बुलाता है पहले भी वह बुलाया था अभी फिर बुला रहा है तो उसके द्वारा इस तरह से बार बार बुलाए जाने पर राधिका कहती है तुम मुझको बार बार बुला रहे हो मैं क्या करूं? क्या मैं घर का सब काम छोड़कर तुम्हारे पास बैठी रहूं? आसन्नम ही दीप मालिका पर्वम अरे दीप मालिका पर्व अर्थात दीपावली का जो पर्व है त्योहार है वह निकट ही है दीपावली का पर्व जो है वह पास आ गया है और तुम कहते हो घर का सब काम छोड़कर मेरे पास बैठे रहो क्या ऐसा किया जाना उचित होगा तो इस तरह से वह राधिका जो है अपने पति से कहती है गृह दस रुपये काणी अपनी न संति अरे और तो और गृह मतलब घर में गृह शब्द है सप्तमिभ्यक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है तो गृह दस रुपये काणी दस रुपया भी अभी न संति नहीं है घर में दस रुपया भी नहीं है दीपावली के त्योहार आ गया है और तुम कहते हो घर का सब काम छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाओ मैं क्या करूं किम एवमेव मम जीवनम यास्यति क्या मेरा जीवन इसी तरह व्यतीत तो हो जाएगा केवल यह इस वर्ष की समस्या नहीं है प्रत्येक तो वर्ष इस तरह की कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है और हम दीपावली जैसे एक बड़े त्योहार को भी ढंग से मना नहीं पाते हैं किम एवमेव मम जीवनम यास्यति क्या मेरा जीवन ऐसा ही व्यतीत तो हो जाएगा इति विचार्य विचार्य ऐसा सोच सोच कर गहने तमसी गहरे अंधकार में निमग्न मे मना मेरा मन जो है अंधकार में डूब जाता है निमग्न हो जाता है ऐसा राधिका जो है अपने पति मोहन से कहती है स्वाभाविक है इस तरह से जब पति बार बार बुलाता है तब पत्नी का इस तरह से नाराज होना भी स्वाभाविक है प्यारे बच्चों अभी आपने देखा कि इस तरह से मोहन और राधिका दोनों आपस में संवाद करते हैं अर्थात मोहन अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है और राधिका घर की समस्याओं को लेकर उलझी हुई है साथ ही अब उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं वे उनके समक्ष आते हैं और किस तरह से अपनी समस्याएं रखते हैं आइए सुनते हैं प्यारे बच्चों अभी आपने मोहन और राधिका के परिवार में जो विभिन्न समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर उनके बच्चे उनके सामने आते हैं गोविंद विद्या कमला और श्यामा ये अपनी क्या क्या समस्याएं उन्होंने अपने पिता मोहन और माँ राधिका से कहा आइए हम इन्हें समझते हैं गोविंद गोविंद का कथन है प्रविश्य पितृवर गोविंद प्रविश्य पितृवर अहम विद्यालयात आगतोस्मि स्वह अहम् विद्यालयं नगमस्य स्वह अहम् विद्यालयं न गमिष्यामि मम हस्ते श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका चापि नास्ति एकं पुस्तकं अपि न वर्तते पाठनार्थं अभ्यास पुस्तिका नाम तु का कथा यह गोविंद का कथन हुआ और अब देखिए गोविंद के कथन में प्रविश्य यह शब्द लिखा हुआ है और यह शब्द जो है कोष्टक में दिया हुआ है इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य यह है कि अब रंगमंच पर अर्थात पटल पर गोविंद का प्रवेश होता है और गोविंद का प्रवेश होते ही वह अपने पिता से कहता है पिता कहाँ है पिता मोहन जो है अभी भी पलंग पर सोए हुए हैं बुखार से पीड़ित हैं और पलंग पर सोए हुए हैं उनसे गोविंद आकर कहता है क्या कहता है पितृवर पिताजी अहम विद्यालयात आगतोस्मि मैं विद्यालयात विद्यालय से विद्यालय शब्द है पंचमी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है विद्यालय से आगतस्मी यह संधि युक्त पद है संधि अलग करें आगत धन इति आगतस्मी यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ आगत यह जो शब्द है यह कैसे बनता है आ उपसर्ग है गम धातु है प्रत्यय है इस तरह से इसका रूप बनता है आगतो आ धनगम भक्त आगत पुणिंग एक वचन का यह रूप है और आगत का तात्पर्य हुआ है आया अश्मी का तात्पर्य होता है हूं अस्मि शब्द कैसे बनता है अस्मि अस धातु है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है तो अहम विद्यालयात आगतस्में मैं विद्यालय से आ गया हूँ स्व स्व यह समय बोधक अव्यय पद है और इसका तात्पर्य होता है आने वाला कल तो स्व अहम विद्यालय न गमिष्यामि अहम अस्मद इसका मूल शब्द है प्रथम विभक्ति एक वचन का यह रूप है तो अस्मद का प्रथम विभक्ति में रूप होता है अहम आवाम वयम्। तो यहां जो रूप प्रयुक्त हुआ है वह प्रथम विभक्ति एक वचन का है तो विद्यालय विद्यालय को न मतलब नहीं यह अव्यय पद है गमिष्यामी गमिष्यामी का तात्पर्य होता है जाऊंगा गम धातु है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है तो स्व अहम विद्यालय न गमीष्यामी कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा ऐसा गोविंद कहता है क्यों कहता है कारण भी बताता है कारण कह, बताते हुए वह कहता है मम हस्ते मेरे हाथ में श्याम का लिखने की जो श्याम पट्टी होती है तो श्याम का और लेखन वर्तिका अर्थात जो पेंसिल जिससे उस श्याम पट्टी में लिखा जाता है वह भी चापी इति चापी वह भी नास्ती न धन अस्थि दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है नास्ति न धन अस्थि यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है तो मम हस्ते श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका चापी नास्ति मेरे हाथ में अर्थात मेरे पास में श्याम पट्टी और लेखन वर्ति का पेंसिल भी नहीं है एकम पुस्तकम भी न वर्तते और एक पुस्तक भी मेरे पास नहीं है पुस्तकम पी पुस्तकम धन अपी इति पुस्तकम धन अपि इति पुस्तकम पी अर्थात पुस्तक भी एकम पुस्तकम पी न वर्तते मेरे पास एक भी पुस्तक नहीं है पठनार्थम पठनार्थम यह एक समासिक पद है पठन से अर्थम इति पठनार्थम या पठन धन अर्थम इति पठनार्थम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग होता है पठन से अर्थम इति पठनार्थम यहाँ ष्ठी पुरुष का प्रयोग हुआ तो संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधियाँ भी होती हैं और समास भी होते हैं तो पठनार्थम उसी तरह का शब्द है इसका तात्पर्य होता है पढ़ने के लिए अभ्यास पुस्तिका नाम अभ्यास पुस्तिका की तू तो का कथा क्या कहना अर्थात मेरे पास न तो श्यामपट्ट है श्याम पट्टिका है न पेंसिल है न पुस्तक है तो ऐसे में अभ्यास पुस्तिका अर्थात कापी की क्या कहानी अर्थात वो कहाँ से और संभव हो पाएगा अर्थात वह भी नहीं है तो गोविंद जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है विद्यालय से आया हुआ है और उसके पास न तो श्याम पट्टी है न पेंसिल है न पुस्तक है और न ही अभ्यास पुस्तिका अर्थात कापी है ऐसे में वह कहता है स्व अहम विद्यालय न गमिष्यामी। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा इस तरह से वह अपनी समस्याएं अपने पिता मोहन से कहता है